दोस्तों वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक नई अपॉर्चुनिटी की। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में स्टडी करते हैं या फिर आपने कॉलेज पास आउट कर लिया है तो यहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रांस ट्यूटर्स। यहां पर आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग करके अर्निंग कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके भी अर्निंग कर सकते हैं। कैसे करना है ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट की कम्युनिटी है वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्वर इसका भी यूज़ कर सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्रीमियम सर्विस लेके अपने एकेडमिक ग्रेड्स बढ़ा सकती है। कुछ रिव्यूज़ हैं, ये भी पढ़ सकते हैं आप। इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज़ मैं हमेशा पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5 लाख स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, इसका आप पार्ट बन सकते हैं और यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अर्निंग के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर ट्यूटर्स करके एक टैब है, इसमें आप क्लिक करेंगे जैसे मैंने किया है। वर्क एनी टाइम एनी वेयर, आप एक्सपर्ट बनके $2000 पर मंथ कमा सकते हैं। तो एक्सपर्ट बनकर इजीली अर्निंग हो जाएगी आपकी। तो इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिलेगा, पे आउट अच्छा है, सब्जेक्ट की बस नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। और यहाँ देख सकते हैं रॉयल्टी भी आप इनकम कर सकते हैं, रॉयल्टी इनकम। और यहाँ पर ऑलरेडी अराउंड 10 लाख एक्सपर्ट ऑनबोर्डेड हैं और इतने सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर चुके हैं ओवर 100 सब्जेक्ट्स। और टॉप अर्निंग एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इनके रिव्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपको करना क्या है, एक साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद अपनी जो भी डिटेल्स है वो एंटर करनी है, और जो भी सब्जेक्ट आपका है जिसमें आपको अच्छी नॉलेज है वो चूज़ करना है, और ऑनलाइन टेस्ट देना है और उसमें पास होना है। उसके बाद आप इस पर काम कर सकते हैं। तो बस 4 स्टेप का प्रोसेस है ये। तो रजिस्टर नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे आप, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैंने जैसे किया है। ईमेल आईडी और पासवर्ड देके आप यहाँ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पर सीधा लॉगिन करूँगा और अपने डैशबोर्ड को आपको दिखाऊँगा कि कैसा दिखता है डैशबोर्ड। ये देखिए मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है, और ये देखिए लॉगिन करने के बाद आपको ये प्रोफाइल का जो अप्रूवल मेल है वो आएगा टीम से, वेरीफाइड हो गई है आपकी डिटेल्स और अप्रूव्ड हो गई है, इस तरह मुझे आया था। और डैशबोर्ड पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैप्सूल क्वेश्चन से आपकी अर्निंग होगी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप आंसर या सोल्यूशन दे के अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं, ये देखिए इसमें अप्रैल के कुछ असाइनमेंट्स मैंने किए थे, मार्च और अप्रैल में 2021 में किया था मैंने, जब मैं कॉलेज में स्टडी करता था। और इसके बाद फिर मैंने अदर प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन किए तो इस पर ज़्यादा अर्निंग नहीं की। और यहाँ मंथली कॉन्टेस्ट भी होता है, तो कॉन्टेस्ट यहाँ पर अभी नहीं है, बट जब आप 1-2 महीने इस पर काम करेंगे तो आपको रेगुलरली मिलने लगेंगे। और एक और तरीका है यहाँ से क्वेश्चन और आंसर अपलोड करके अर्न करने का, एक रॉयल्टी इनकम मिलेगी अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर कोई असाइनमेंट यहाँ अपलोड करते हैं सॉल्यूशन के साथ स्टेप बाय स्टेप। अर्निंग डैशबोर्ड देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आंसर हुए हैं मंथ वाइज और कितने लोगों ने क्या क्या इनकम की है। यहाँ पर देखिए रुचि यादव ने 50,000 इनकम की थी अप्रैल के कॉन्टेस्ट में, और अमित कुमार की जो अर्निंग है 47,000 से ज़्यादा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इनकी अर्निंग्स। अगर मैं अपनी पेमेंट हिस्ट्री दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो मुझे पेमेंट मिली थी, फर्स्ट पेमेंट थी मेरी वो अप्रैल 2021 की थी, और कितनी थी वो भी आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ एक असाइनमेंट कंप्लीट किया था और मुझे 550 रुपीज़ मिले थे। और अगर मैं और असाइनमेंट करता तो और मिलते। अगर आपको यहाँ से ज़्यादा अर्निंग करनी है तो इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे आंसर लिखना है, MCQ का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करना है जो भी करेक्ट है। फॉन्ट आपको 12 रखना है। इसके अलावा जो वर्डिंग है, वर्ड्स 100 वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान में रखते हैं और क्वालिटी सॉल्यूशन देंगे तो ऑब्वियसली आपकी इनकम यहाँ पर बढ़ेगी। नाउ
ये इनकम आपकी एक पार्ट टाइम इनकम है, ये कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैप्सूल क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर कैप्सूल क्वेश्चन तीन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ईजी, मॉडरेट और गोल्डन। गोल्डन क्वेश्चन हमेशा हाई पेइंग होंगे और ईजी क्वेश्चन लो पेइंग। लो पेइंग मतलब मिनिमम आपको 40 से 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। आई थिंक इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए मैं और भी अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करूँगा इस वीक में, तो वो भी आप देख सकते हैं। सभी जेन्युइन है क्योंकि मैंने इस पर काम किया है, और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑलरेडी मैं उन पर काम कर चुका हूँ। अर्निंग प्रूफ भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसा दिखेगा, कैसे आपको अटेंड करना है। तो मैंने क्वेश्चन ओपन किया आपके लिए, ये जो गोल्डन क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए टाइटल क्या है क्वेश्चन का, डिस्क्रिप्शन क्या है, अटैचमेंट्स इसमें जो स्टूडेंट्स पोस्ट करते हैं, स्पेसिफिक टेबल्स, चार्ट या कुछ भी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको खुद डिसाइड करना है कि कितने घंटे में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। मैक्सिमम यहाँ पर 2 घंटे मिनिमम है, तो मैंने यहाँ पर 2 घंटे सेलेक्ट किया, और कमिट करके आप इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और आंसर देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।